हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में आए हैं वन डे और वन क्वेश्चन सीरीज में। क्वेश्चन आप देख चुके होंगे थंबनेल में, फटाफट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सॉल्व किया, ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन बोला गया है कि एक आर्टिकल है 20 रुपये का, 25% उसकी वैल्यू बढ़ाई गई है, फिर जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तो कस्टमर उसका 20.25 रुपीज पे करता है, ठीक है। फिर बोला गया है कि बताइए परसेंटेज चेंज कितना होगा प्रॉफिट में, हैड द प्राइस बीन इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज ट्वाइस सक्सेसिवली इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट। आप जो है जब डिस्काउंट दे रहे थे तो दो आप परसेंटेज वाले डिस्काउंट दे रहे थे और सेम ही उनकी वैल्यू थी, तो आपने दो डिस्काउंट दिए। अब वो ये बोल रहा है डिस्काउंट मत दो, आप क्या कर दो, बढ़ा दो वैल्यू को, ठीक है, तो वही सेम वैल्यू आपको बढ़ानी है, तो बताओ परसेंटेज जो चेंज है वो प्रॉफिट में कितना आएगा। तो अगर डायरेक्ट सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन में वैल्यू 20 से आपकी हुई 25, मैं ये बता रहा हूँ एग्जाम में कितना टाइम लगेगा, 20 हुई आपकी वैल्यू 25, 25 से वैल्यू आपकी होगी 20.25। अगर ऑब्जर्व करोगे तो 4.75 का चेंज है, तो लगभग ये 19% है और ये 10% का डिस्काउंट होना चाहिए सक्सेसिव वाले केस में, ये मुझे दिख रहा, ठीक है, 10% का डिस्काउंट है, 10% आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे 25 का 10% बढ़ाएं तो 2.75 और 10% बढ़ाएंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 2.75 नहीं आएगी, आप 2.5 ऐड करोगे तो 27.5 वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद अगर सॉल्व करते हो तो 2.75 और ऐड कर दो इसमें तो 30.25 रुपीज ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। आप प्रॉफिट की बात करें यहाँ तो 0.25 प्रॉफिट है और यहाँ अगर बात करें तो 10.25 प्रॉफिट है। कितना चेंज है 10 का चेंज 0.25 के ऊपर इंटू 100 रखोगे तो 4 वैल्यू आनी चाहिए, तो आपका जो आंसर है वो 4000 आएगा, 25 चौक 100 होता है और कंप्लीट वैल्यू जा रही है और बाकी जीरो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन में देख लो कितना टाइम लगा है ये सॉल्व करने में, उतना ही टाइम आपको वहाँ लगने वाला है, ठीक है, जिसमें मैंने बीच में कुछ कुछ बोला भी है और ये 10% वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने किया क्या है उसको हम प्रॉपर वे में समझते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए, उसको बढ़ाया गया 25% इंक्रीज किया गया, 25% कितना होता है 1/4, मतलब 5 आप ऐड कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25, ये है मार्क प्राइस, ठीक। अब क्या किया गया, इसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट रखकर 20 में आप कितने में 20.25 में आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, आपने यहां वैल्यू कम करी, फिर यहां से और कम होगी तो 20.25 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यही वैल्यू हमें बढ़ानी भी है, तो हम यहां से दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली कंडीशन, आप ये इसमें चेक कर लो कि वैल्यू जो है वो कितनी कम हो रही है, वैल्यू 4.75 कम हो रही, तो आप इस पर कम कर रहे हो, तो आप यहां सॉल्व कर सकते हो, 4.75 है किसके ऊपर, 25 के ऊपर, ये आपका डिस्काउंट है और ये मार्क प्राइस है, ठीक है, इनटू 100 फाइनल हम जो रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंट है वो निकाल रहे हैं। 25 से अगर सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है वो डायरेक्ट दिख रही है कितनी आएगी, 19% आएगी। क्यों दिख रही है, क्योंकि 5 जो है वो 20% है और 1% माइनस कर दोगे 0.25 तो आपको 4.75 वैल्यू मिलेगी, या फिर सीधा सीधा सा 25 का डिवाइड कर दो, 25 से कम 25, फिर आप आगे उसमें वैल्यू जो मिलेगी वो सॉल्व कर लोगे, 25 नंबर 225, ठीक है, वहां से आपको वैल्यू 19% मिल जाएगी। एक तरीका ये कि परसेंटेज निकाल लो। अब ये 19% दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद मिले, और सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स इक्विवेलेंट परसेंट, अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो ऐसे वाले केस में जो हम वैल्यू रखते हैं वो एक्स परसेंट माइनस का एक्स परसेंट और प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 100% वैल्यू रखते हैं, तो ये 19% आपको जो वैल्यू मिल रही होगी वो कहां से मिल रही होगी, जब आपको वैल्यू 19 को दो भागों में तोड़ना है सीधा सीधा, तुम तो ऐसा मानो, उसमें प्लस वाला फैक्टर भी तो 10 होना चाहिए, तो आप हिट एंड ट्रायल लगाकर 10 रखोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, मैंने डायरेक्ट 100 रख दिया, सॉल्व करने पर 19% आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो ये एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, वो मिल रही है 10%। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आप दूसरी कंडीशन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो डायरेक्ट वाले वे में सीधा सीधा इसको ऑब्जर्व करो,
डायरेक्ट वाले वे में अगर ऑब्जर्व करें तो 25 से वैल्यू इधर देख लेते, सुनना ध्यान से, 25 से वैल्यू आपकी हो रही है 20.25। मैं एक अप्रोक्स वैल्यू अगर माइनस करने की बात करूं तो लगभग 5 के आसपास की है, और 5 जो है वो उसका कितना होगा, लगभग 20% के आसपास, तो उसको आधा आधा करें तो 10% की वैल्यू आपको मिलने वाली है। एग्जैक्ट वैल्यू 19 है, मैं अप्रोक्स की बात कर रहा हूं, क्यों, क्यों आप उसमें प्लस वाला पार्ट भी रखते हो, ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल वाले केस में आप क्या रख दोगे, 10, और आपको वैल्यू बिल्कुल सही मिल रही होगी, ठीक, देख कर ही समझ जाओगे उसको, क्रॉस चेक भी करने की जरूरत नहीं। अब वो ये बोल रहा है आप इसका 10% बढ़ा दीजिए, आप 10% हम इसका क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जो आपको मिल रही है मार्क प्राइस की वो है 25, यहां तक 25% तो बढ़ा ही चुके हो, इसके बाद जो डिस्काउंट दे रहे थे वो नहीं देने, तो आप फिर से वैल्यू को रखो बढ़ाकर, 10% बढ़ा लो, 10% बढ़ाओगे तो 10% होता है 2.5, वैल्यू आ जाएगी 27.5, फिर आप 10% और बढ़ा लो तो वैल्यू कितनी, प्लस 2.75 वैल्यू ऐड करोगे तो 2.75 ऐड कर दोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 30.25, ठीक है। ये इस प्राइस पर अब हम बेच रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, न्यू है, और ये जो है वो पुरानी वाली आपकी सेलिंग प्राइस थी, ठीक है। आई होप यहां तक की कंडीशन जो है वो आपको क्लियर होगी। अब समझना, यहां जो प्रॉफिट था मैंने कुछ भी मिटाला नहीं है, ठीक है, सारी वैल्यूज यही रखी हुई है ताकि आप उसको प्रॉपर वे में रिलेट कर पाओ। प्रॉफिट जो है वो कितना है, 0.25, ठीक, और यहां जो प्रॉफिट है आपका इस वाले से अगर हम कंपेयर करें तो आपकी जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस की 20 है और नई जो सेलिंग प्राइस आपको मिल रही है वो 30.25 है, ठीक है। तो यहां जो वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी ज्यादा मिल रही है, 10.25। बस आपको इसको और इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर कंपेयर कर लेते हैं, यहां हमारे पास जगह है। पहला प्रॉफिट जो था वो था आपका 0.25 का, दूसरा प्रॉफिट जो था वो आपका कितने का था, 10.25 का। जब भी वैल्यू आपको देखनी होती कितनी बढ़ गई है तो दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस है इसका भाग कितना है, तो इक्विवेलेंट परसेंट चेंज, या इसको सीधा सा आप परसेंट चेंज बोलो क्योंकि इक्विवेलेंट वाला केस तो हम रख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, एक ही चेंज है, तो 10 का चेंज है किसके ऊपर, 0.25 के ऊपर, इंटू 100, डेसिमल हटाओगे, 20 और लगा दो, 25 सॉल्व करो, 25 चौक 100 होता है और 20 और लगा दो तो 400 और 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4000%। अगर पूरा लिखने जाओगे तो ये पूरी कहानी तो मैं वहां सॉल्व करनी पड़ेगी, और डायरेक्ट मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, यहां से यहां तक की कहानी तो तुम ऐसी सॉल्व कर लोगे, 1/4 होता है, 25 से वैल्यू हो रही है 20.25, 4.75 मतलब 5 के आसपास की वैल्यू है, 5 जो इसका 20%, इसका मतलब 10 मान लो, वहां से 10 वैल्यू सीधी सीधी बढ़ाओ और फटाफट कंपेयर कर लो 10.25 और 0.25 के बीच में। आई होप ये जो हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो उसमें आप पूछेंगे, इसी टाइप के हम क्वेश्चंस और लेकर आते रहेंगे ताकि आप जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रॉपर वे में रेगुलरली कर लें, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं उनको आप अच्छे क्वेश्चंस में किस तरीके से लगाओगे वो रेगुलरिटी उसमें आपकी बनी रहे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है,